अरे रुको 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 रुको, चलो छोड़ो, फिर नौटंकी करियो, मत खराब करो, चलो नौटंकी मत करो, समझी ना, बता दे रहे, चलो शांति से बैठो गाड़ी पे, इतना बुरा लग जाता, बताओ ना। So, कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत दिन से मैं बोल गाइस रोहित को कार सिखाने के लिए, एक दिन सिखाया तो उसके बाद फिर नहीं सिखाया, तो उस दिन से मैं ही बोल रही थी कार सिखाने के लिए गाइस, उसके बाद फिर आज फाइनली वो जा रहा है मुझे सिखाने। चलते हैं गाइस, श्वेता को लेकर भी निकल चुके हैं मस्त, और अभी देख सकते हैं श्वेता भी जा रही मेरे साथ, और आज मैं इसको बोला था कि ब्लॉग तू ही स्टार्ट कर मेरा, तो मैं गाइस आज स्टार्ट नहीं करके आया था घर से, और साथ में श्वेता थी, तो मैं सोचा श्वेता ही स्टार्ट कर लेगी, तो फट देख सकते हैं अभी हम लोग हाईवे तरफ पहुंच चुके हैं, और ये वाला हाईवे पे मैं नहीं इसको सिखाने वाला हूँ, एक और हाईवे जो है रिक्शा की तरफ, उधर वाला हाईवे थोड़ा ज्यादा खाली होता है गाइस, ये वाला हाईवे में देख सकते टू व्हीलर्स वगैरह फोर व्हीलर्स वगैरह जाते रहता है, इसलिए इधर का रिस्क नहीं लूंगा गाइस मैं, और अभी जा रहा हूँ मस्त, तो अभी गाइस जा रहा हूँ मैं इसको नेक्स्ट वाला हाईवे तरफ लेके, और गाइस इसको कार सिखाऊंगा वहाँ पे, और देखता हूँ आज ये कितना सीख पाती है, उस दिन तो दिए थे थोड़ा बहुत चला ली थी। बाकी गाइस एक बात था, आप लोग से बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आया था मेरे ब्लॉग पे, जैसे कि कुछ दिन मैं पहले डाला था कुछ गलत सही वाला ब्लॉग की कौन सही कौन गलत है, तो गाइस मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि गाइस मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग उसमें बोले कि BR02 राइडर गलत नहीं है, तो भाई सही में वो गलत नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत है, उसके साथ में जो गया था वो गलत है, हम ये बोल रहे हैं, तो ये सब था गाइस बात, तो उसमें से बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आया था कि भाई तू उसका नाम लेके फेम कमा रहा था, भाई BR02 राइडर का नाम लेके मैं क्यों फेम कमाऊंगा, और मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि किसी का नाम लेके मैं फेम कमाऊं, और मेरा नाम इतना है कि मैं खुद का दम पे अपना ब्लॉग वगैरह जो भी कर रहा हूँ उससे पहले मैं स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग वगैरह, और मैं ना चाह रहा हूँ उससे कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या कुछ भी, मेरा लड़ाई झगड़ा उससे कुछ है वैसा कुछ भी नहीं गाइस, ना मेरे को उसको मैं कुछ बोला हूँ, ना मेरे को कुछ बोला, ना मेरे ब्लॉग बनाने के बाद वो कोई रिस्पॉन्स मेरे को दिया, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, दोस्त है, सब कोई दोस्त है, बस हाँ बस ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि उसके साथ जो गलत हुआ था पंकज के साथ वो इसलिए वो बोला जो भी बात, तो मैं कुछ भी बात अलग से मैं आप लोगों को बोला नहीं, जो भी बोला है पंकज ही बोला है, आप लोग देखे थे सारे कुछ ब्लॉग में, और गाइस कोई बोल रहा है मेरे को कि एक तरफ का बात सुन रहा हूँ, मैं किधर का ही बात नहीं सुन रहा हूँ गाइस, जो हुआ है उसके साथ और ये सब चीज एग्री मतलब गच्छा है उन लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा चीज का रिकॉर्डिंग है प्रॉपर तरीके से, रिकॉर्डिंग सर बना के दिए प्रॉपर तरीके से, सर से ये बात किया हम लोग पूछे सब कुछ है, तभी मैं किसी को बोल रहा हूँ, ऐसे किसी को मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ गाइस, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, बाकी भी फटाफट अभी चलते हैं इसको लेकर हाईवे पे और मस्त इसको सिखाते हैं, तो आज सीख जाओगी तुम, तो ट्राई करेगी श्वेता गाइस, तो अभी चलते हैं, आज हेलमेट वगैरह भी लेके आए कि मस्त अभी हेलमेट पहन के इसको बैठेंगे, क्योंकि गाइस थोड़ा सा हैंडल वगैरह पकड़ना पड़ता है, फोन पकड़ते तो फिर हैंडल की तरफ ध्यान रहता नहीं, और आराम से हेलमेट लगा लेंगे वीडियो स्टार्ट कर देंगे, आराम से ये चलाएगी, तो जितना चला पाएगी गाइस उतना मैं ट्राई करूंगा इसको चलवाने का, तो चलवाता हूँ इसको फटाफट हाईवे पे लेके चल के पहले, और गाइस कल है गाइस हमारे गया बिहार में इलेक्शन, तो अब पता नहीं गाइस कल मैं निकल पाऊंगा या नहीं, अब मेरे को तो बहुत ज्यादा ही टेंशन लग रहा है कि कल अगर मैं नहीं निकल पाऊंगा तो ब्लॉग फिर कहाँ कब बना पाऊंगा, और श्वेता तुम कब जा रही हो रानीगढ़, तो 20 को ये रानीगढ़ भी चल जाएगी गाइस, तो 20 या 21 को भी जा सकती है कोई ठीक नहीं है, 20-21 से लेकर 23 तक में ये कभी कोई भी डेट में जा सकती है, ये इसको कंफर्म नहीं है, जब इसको जाना होगा तो ये जाएगी फिर, तो गाइस इसलिए मैं सोच रहा था कि जितना ब्लॉग हो पाया अभी मैं इसके साथ बना लूं, उसके बाद तो गाइस आपको सिंगल ब्लॉग ही देखने के लिए मिलेगा, मस्त मोटो ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा वही सब देखने के लिए मिलेगा, तो काफी दिन से गाइस मोटो ब्लॉग भी नहीं आया, मतलब काफी दिन कहा 2-3 दिन हो गया है मस्त, तो अभी पहले लेके जा रहे हैं इसको सिखाने के लिए और सिखा देते हैं, उसके बाद ये चीज मेरे को सही रहेगा कि अगर इसको मैं सिखा दूंगा तो फिर श्वेता कार चलाएगी और फिर मस्त मैं बगल में सीट पे बैठ के ब्लॉगिंग करूंगा, सही रहेगा ना, हाँ तो आज की ब्लॉग देखे थे गाइस श्वेता ट्राई की है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वो भी ब्लॉग का चैनल बहुत जल्द खोलेगी आप लोग के लिए, और आप लोग को उसका भी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, जब जब आएगी मेरे से मिलने सारा कुछ ब्लॉग बनाएगी मैं भी बनाऊंगा, तो अभी चलते हैं फटाफट पहले हाईवे पहुंचते हैं और इसको देते हैं कार चलाने के लिए, फाइनली आ चुके हैं हाईवे पे और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ चुकी हूँ, आगे का रोड देख सकते हैं पूरा खाली है गाइस, इस मैं भी हेलमेट वगैरह लगा लिया हूँ मस्त, क्योंकि जानते ही है जैसे कि मैं पहले ही बोल दिया था कि आगे का मैं ब्लॉग वगैरह अगर बनाऊंगा फोन से तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हेलमेट में मस्त गोप्रो वगैरह लगा हुआ है, और इसको हाथ वगैरह भी गाइस हैंडल वगैरह पकड़ना पड़ता है और हैंड ब्रेक पे भी हाथ एनी टाइम रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं आराम से लगा लिया हूँ मस्त, इसको सीट बेल्ट वगैरह लगवाता हूँ और चलता हूँ आगे का रोड, देख सकते हैं गाइस पूरा ही खाली है और पीछे तो गाइस ये पूरा बंद ही था रोड, और मैं इधर से लाया हूँ चढ़ा के अपने कार को मतलब डिवाइडर क्रॉस करके लाया हूँ, और सामने भी चलेंगे मस्त, ये रोड पे एक भी गाड़ी आने वाली नहीं है, जो भी गाड़ी आएगा बगल वाले रोड पे आएगा और उधर आएगा, तो मस्त अभी चलते हैं गाइस, श्वेता अभी ड्राइविंग करेगी, सुरेश देख सकते हैं सीट बेल्ट वगैरह श्वेता लगा लिया मस्त, और अभी गाड़ी भी स्टार्ट कर दी और मैं अभी जा रहा हूँ गाइस हैंड ब्रेक हटाने के लिए, और अभी देता हूँ मस्त क्लच को दबाए रखना, तो देख सकते हैं गाइस दे दिया हूँ गियर और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, तो अभी देख सकते हैं गाइस फाइनली श्वेता कार चला रही है, और अभी गाइस मैं उस दिन भी लेके आया था तो उसको ऐसे ही उस दिन इसको दे दिया था, आज प्रॉपर तरीके से इसको सिखाने के लिए लाया हूँ, तो अभी सब कुछ मैं इसको सिखाऊंगा अभी क्या, हाँ तो आज सीखना है ना, इसलिए हैंडल काटो पहले लेफ्ट काटो, हाँ
तो अभी देख सकते हैं मस्त, अभी श्वेता कार बढ़ा दी है और अभी गियर वगैरह शिफ्टिंग। उधर कहाँ काट रही है? अपना रोड पे चलो, सीधा सीधा करो पूरा और हैंडल, चलो आप काटो फिर से इधर ऐसे रखो। हाँ तो इसलिए बस गाइज मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, मस्त लेके आया था हेलमेट के, ऐसे मेरे को इसको हैंडल वगैरह काटने में प्रॉब्लम ना हो और सारा हाथ मेरा फ्री होगा, तो ऐसे मस्त ब्रेक वगैरह भी घिस सकूँगा। तो अभी आगे देख सकते हो रोड बंद है और मस्त वहाँ से श्वेता को मुड़वाऊँगा। तो चलो थोड़ा थोड़ा एस्केलेटर भी दोनों सीखो, सबसे उधर जो राइट साइड में सबसे है ना थर्ड नंबर पे उधर, उसको हल्का हल्का देना, एकदम हल्का हल्का, उतना नहीं हल्का। तो देख सकते गाइस श्वेता एस्केलेटर भी दे रही है। अरे ब्रेक का है मार दी गज्जब, वो स्टार्ट करो फिर से क्लच दबा के, क्लच पूरे दबा के स्टार्ट करो, ब्रेक मत दबाइए, जब ब्रेक बोलेंगे तब दबाना, अभी कुछ है थोड़ी आ गया। चलो चलो धीरे धीरे छोड़ो फिर वैसे ही। तो गाइस पता नहीं इसको क्या हुआ, चलते चलते अचानक से ब्रेक मार दी, और अगर ब्रेक ऐसे लोग मारते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है एस्केलेटर के चक्कर में। एस्केलेटर दो, अरे क्या कर रही हो, अरे ब्रेक नहीं मारो, ब्रेक है कल एस्केलेटर पे तुम पैर रखे रहो, एस्केलेटर देना तो ब्रेक का है, मार रही बार बार पागल। अरे नहीं गलती से हो गया, एस्केलेटर दोगी ब्रेक नहीं मारोगी, चलो धीरे धीरे। बहुत टफ है गाइस सिखाना कार, मतलब कि हम लोग जब सीखे थे हम लोगों को खुद लगता है कि हम लोग तो चला चला के बस सीख गए थे, और इतना जब सीखना पड़ता है अगर हम लोगों को तो क्या ही होता हम लोगों के साथ। और सोच सकते इतना ज़्यादा खाली रोड है और इसमें भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीलेटर देने बोल रहे थे, एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक मार दे रही, हल्का सा गाड़ी स्पीड हो रहा। तो देख सकते हैं गाइस अभी मैं गियर चेंज किया हूँ और श्वेता दो गियर पर अभी कार चला रही है और मस्त अभी क्लच पे ही चला रही है, एक्सीलेटर एकदम हल्का हल्का दे रही है, और अभी कार का स्पीड भी देख सकते हैं 20 पे, हैंडल सीधा रखो बस सीधा एकदम सीधा, हाँ प्रॉपर तरीके से। तो अभी आगे से देख सकते हैं गाइस रोड है बंद, तो अभी इसको इधर ही से घुमवा लूँगा क्योंकि आगे सारा देख सकते हैं गिट्टी वगैरह गिरा कर रोड को बंद किया हुआ है, क्योंकि ये रोड पर कोई आता ही नहीं, मैं तो डिवाइडर क्रॉस करके इधर आया हूँ, नहीं तो मैं इधर आ भी नहीं पाता। इतना दूर से तो आ गई गाइस श्वेता कार चला के, अब देख सकते हैं मेन टास्क जो अब है, क्योंकि इधर देख सकते हैं डिवाइडर बड़ा सा गड्ढा भी है। रुक रुक रुक, ब्रेक मारो, ब्रेक चला, ब्रेक मारो, क्या कर रही हो यार तुम, गजब की हुई हो तुम, ब्रेक मारने पर तो ब्रेक मार ही नहीं, आगे गड्ढा क्या क्या बताए तुमको, जब ब्रेक बोलते तो ब्रेक नहीं मारती कुछ। मोरो गाड़ी को धीरे धीरे स्टार्ट करके, पहले स्टार्ट करो गाड़ी, उधर काटो और चलो ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। तो गाइस आप सीन एक बार चेक कर सकते हैं कहाँ पे कैसे रास्ता है, और इसको ब्रेक मारने बोल रहे क्या करना बोल रहे, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करना, क्या गजब की हुई यार तुम बताओ, तुमको ब्रेक पैर नहीं रख रही हो, तुम घुमाओगी कैसे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करो, धीरे कल छोड़ो, धीरे धीरे कल छोड़ो, धीरे धीरे देखो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस मैं कौन सा हाथ से हैंडल पकड़ू और कौन सा हाथ से हैंड ब्रेक, ब्रेक। अरे रुक 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 रुक, तुम गजब का सीन क्यों हो, हटो हटो मोड़ के देते तुमको पागल, देखो पहले आके बाहर का क्यों हो तुम। देख सकते हैं गाइस आगे भी उधर है, और अगर हमें हैंड ब्रेक नहीं मारे तो ये क्या करती है, अभी देख सकते हैं इधर से तो पहले इधर काटने में और कितना कम जगह यहाँ पे बच रहा है पहले देख सकते हैं, और आगे अगर गाड़ी ढलेगा तो ये एक बार में बैक भी नहीं होने वाला क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है और आगे देख सकते हैं डिवाइडर है, इसलिए मैं वहाँ पर से नहीं दिया इसको मोड़ने के लिए, वहाँ पर रोड छोटा था और यहाँ से मोड़ने के लिए बोले। कितना तुम काट रही हो बताओ, अभी पागल लग जाता तो अभी चल जाता, मान लो नीचे गाड़ी तो क्या होता, क्या हो गया लगा नहीं ना, क्या हो गया लगा नहीं, अगर लग जाता तो अभी क्या होता, अरे गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया। तो तुमको तो बोल रहे ब्रेक मारो तो तुम ब्रेक भी नहीं मार रही हो, अरे नहीं पता चला, हंसो मत हंसी तुम्हारा फिर शोभा नहीं दे रहा ठीक है ना, फिर मतलब जो हंस रही अगर लग जाता ना तो घर तक गाड़ी नहीं मिलता, एक दो सही उस दिन लगाया जो हमको घर से उतना बात सुनने के लिए मिला, चिल्ला क्या रहा है तो तुम गलत क्या बोल रहे हो तुमको, तो अभी तुम कितना जगह बचाओ अगर हम ब्रेक नहीं मारा, वो ब्रेक मारे हुए हैंड ब्रेक फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रहा क्योंकि तुम कदा छोड़ी हुई हो, रोड देख रही हूँ मट्टी वाला ब्रेक पकड़ेगा नहीं, क्या हो गया? तुम बोल दो नहीं मुरेगा हमसे दे देंगे मोर के तुमको, तुम लाए तो तुम बोलोगे ना कि मोर के दे दो हमसे नहीं मुरेगा यहाँ पे, सीधा में हम चलाएंगे, सीधा में भी वैसे ही ब्रेक मार दे रही हो बार बार समझा रहे फिर भी बात नहीं मान रही हो, चिल्ला उला नहीं रहे समझी ना, नौटंकी मत करो, एक तो गलती भी करती हो बहस करती हो, क्या गाड़ी इंपॉर्टेंट है तो अगर लगेगा अभी अगर मान लो गड्ढा में उतरता इधर तो क्या होता पहले बताओ, उतरा नहीं ना, उतरता तो अभी क्या होता अगर हम ब्रेक नहीं मारते तो क्या होता अभी तुम खुद बताओ, तुम्हारा तो हैंडल भी हम ही कटवा रहे थे एक हाथ से ना, उतर जाता अगर लग ही जाता तो उसी दिन तुम देखी थी मेरा क्रश हुआ था उधर थोड़ा सा जो घर पे हम इतना बात सुने, गाड़ी नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे निकलेंगे ब्लॉग वगैरह बनाने के, इसलिए बिना मतलब बोल रहे तो समझा करो बात, सिखा रहे तुम्हें, चल जाओगे तुम यहाँ से, नौटंकी मत करो समझी ना, बता दे रहे चलो शांति से बैठो गाड़ी पे, बैठो शांति से गाड़ी में, वो गाड़ी घुमा रहे हैं सुन रही हो,
गाइस इसका अलग ही का सीन हुआ हुआ गाइस, पता नहीं इसको क्या हो जाता है तुरंत तुरंत में। अभी इसको गलत हम क्या बोल रहे हैं गाइस, आप खुद देख सकते हैं कितना पास मतलब रोड, अभी भी हम देख सकते हैं। अगर ऐसे अगर हो जाएगा टर्न तो जो बोलोगे सो बैक करके ही कहीं मेरे को करना पड़ेगा, और अभी मैं बैक करके कर रहा हूँ और अभी इसको समझा रहे तो देख सकते हैं चले जा रही है पागल की तरह कहाँ, और इधर से ये कहाँ जाएगी, घर है उस तरफ, इसको रास्ता भी देखा हुआ है सही से। चलो बैठो 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 ना बैठो ना, फिर जिद करिए बैठो ना बैठो ना, सच्ची बोल रहे हैं दिमाग मत खराब करो मेरा, हम चिल्लाने लगेंगे तुम पे। चलो ना हमको नहीं जाना। अरे तो तू हो गया गलती तो हम तुमको समझा ही ना रहे, तुमको चिल्ला क्यों रहे मेरे पे, चिल्ला कहाँ रहे थे तुम पे, नहीं चिल्ला रहे मेरे। चलो चलो बैठो पहले, हमको नहीं जाना, बोलो रहे बैठो, पैदल चल जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बैठो पहले नहीं जाएंगे हम, फिर पकड़ के बैठाएंगे, तुम पकड़ के बैठा ही नहीं सकते हमको यहाँ पे, बैठोगी रुको तो, अब हमको लग रहा है उतरना ही पड़ेगा। तो गाइस लड़की का बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले तो इसको उतर के समझाना पड़ेगा, एक तो गलती भी की है और ऊपर से सुनो ना ये सुनना, अरे भगवान सुन तो पहले, अरे चल चल ना चल ना, बोला रहे चलने के लिए तुमको, चलो ना नंगी नहीं करो, चलो ना तुम तो अकेले कहाँ जाओगे सही, हम कहीं भी जाएंगे तुमको से, चलो तुम नहीं जाना, लोग देख रहे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, चलो तुम बोल रहे चलने के लिए, चलो छोड़ो फिर लौटेंगे करियो, दिमाग मत खराब करो, चलो ना नहीं जाना हमको, अच्छा चलो अब नहीं चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे, चलो चलो नहीं चिल्लाएंगे, देखो लोग देख रहा, चलो पहले गाड़ी में तुम, तुम्हारा गलती नहीं था वहाँ पे, बस बोल दो हम नहीं चिल्लाएंगे, नहीं था ना मतलब मेरा ही गलती रहता हमेशा है ना, ठीक है तो मतलब हम गाड़ी सिखा रहे थे ऊपर से, तुम खुद देख सकते हो उस दिन नहीं आया था स्क्रैच, देखो कितना ज्यादा स्क्रैच, देखो तो मेरे वजह से आया था ना, तो घर वाले से सुने ना हम बात, तो तुमको समझदारी होना चाहिए ना कि गाड़ी में अगर कुछ भी नुकसान होगा तो हमको सुनने के लिए मिलेगा, तो तुम समझती है ही नहीं, बैठो पहले, तुम कोई भी बात को समझती का नहीं हो पहले, हैं? हुआ नहीं ना मेरे वजह से, तो समझती क्यों नहीं हो तुम पहले बात को कुछ भी, हम तो ये नहीं बोल रहे कि हो ही गया तुमसे, हो जाता तो क्या होता वहां पे पहले बताओ, तुम बाहर निकल के ऐसे कर रही हो, लोग देख रहा गांव वाला खड़ा होकर साइड से, जानती हो हाईवे पे लोग तुरंत भीड़ लग जाता है, कुछ भी होगा थोड़ा समय तो क्या सोचेगा लोग कि हम लड़की को छेड़ रहे हैं, ठीक सोचेगा यही सब आदत से तुम्हारा पे मेरे पे गुस्सा आता, जब तुमको समझाते कुछ तुम समझती नहीं ना उस चीज को और बात को पतंगर बना देती हो तुम, बस चिल्लाया करो मेरे पे, हम तुम पे चिल्ला नहीं रहे, हम तुमको समझा रहे, कितना कम जगह वहां पे बचा होता तुम खुद बताओ, बस होता तब तुम बोलते, चलो चलाओ नहीं चलाना हमको, चलो अब हमको नहीं चलाना है, तो सीखोगी ना कब सीखोगी, चलो हो गया गलती, चलो नहीं सीखना, आओ नहीं सीखना, यार डर से मेरे को पसीना चलने लगा, हेलमेट पहने हुए थे तो डर लग गया था वहां पे और हम पसीना चलने लगा, और इसको बोले तो देख सकते हैं अब रोने लगी, दिखाओ देख सकते हैं रो रही है, क्यों रो रही है अरे बेकार में, फिर चुप रहो तुम दिमाग मत खराब करो मेरा, अरे तुमको बोल देते इतना बुरा लग जाता तुमको, इतना बुरा लग जाता बताओ ना, इतना बुरा लग जाता तुमको, हम बनाएंगे नहीं तुम्हारे साथ वीडियो, अच्छा चलो आओ गाड़ी सीख लो, नहीं सीखना, आओ सीख लो प्लीज सॉरी, अरे तुम्हारा गलती था तब ना हम बोले, हम ऐसे बोले थे तुमको बताओ, तुम हम इतना दूर से हम आए तुम सारे साथ कितना अच्छा से ब्लॉग बनाते हैं, अच्छा मूड से भी आए तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ मूड खराब हो जाता आने में, अच्छा सॉरी चलो आओ सीख लो, सीख लो सीखोगी, नहीं नहीं सीखोगी, मूड ऑफ हो गया, तो गाइज अब क्या ही कर सकते गाइज यहाँ, मैं इसको वहां पे बस इसलिए बोला क्योंकि गाड़ी चल जाता है नीचे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, एक तो मैं खुद डिवाइडर को क्रॉस करके आया था इस साइड में, इसके चलते बस कि इधर कार ये सीख पाएगी और इधर गाड़ी वगैरह नहीं आएगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये यहाँ पे क्या बोलू गाइज रोने धोने लगी है देख सकते हैं, अभी पानी पी रही है, तो थोड़ा सा भी इसको कुछ बोल देते हैं, इसमें एक चीज है गाइज थोड़ा सा भी अगर इसको कुछ मैं बोल देता हूँ तो ये रोने धोने लगती है, और मैं एक प्रैंक वाला वीडियो लाया था गाइज आप लोग देखे थे तो उसमें भी थोड़ा सा प्रैंक किए थे तो ये रोने धोने लगी थी, इसलिए गाइज प्रैंक वगैरह भी इससे नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रैंक वगैरह करेंगे ये रोने धोने लगी, मेरे को ये सब अच्छा लगता नहीं, और अभी भी कार सिखाने आए थे और यहाँ पे रोने धोने लगी, और यहाँ पे रुकना सही लग नहीं रहा मेरे को क्योंकि एक तो हाईवे है गाइज और यहाँ पे अचानक से मैं गाड़ी बीच में रुके रहूंगा तो एक तो गाँव के लोग देख रहे थे इसको मैं कर रहा हूँ क्या, हेलमेट भी लगाया हूँ ऊपर से इसको मैं रुकवा रहा हूँ बार बार जाके और लोग देख रहे हैं हम ही लोग को,
और ये चिल्ला रही थी रोड पे बाहर निकल के। तब क्या ही बोले गाइज, मेरे से ये नहीं सीख पाएगी कार लगता है, अब इसको सिखवाना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल में ले जाकर नाम लिखवा दूंगा और वहीं जाके इसको लेके जाऊंगा, डेली सिखवा दूंगा, तब ये सीख पाएगी लगता है। मेरे से क्या ही सीखेगी क्योंकि इसको थोड़ा सा बात मेरा बर्दाश्त होता नहीं है। तो स्कूल में भी पढ़ाई वगैरह करते गाइज, तो हम लोग को डांट इतना सुनने के लिए मिलता है पढ़ाई वगैरह के लिए। तो अभी तो इसको बस हम गलती इसको दिखा रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा सा भी, और हम हैंड ब्रेक खींचे हुए हैं फिर भी गाड़ी बढ़ते जा रहा, तब हमको गुस्सा आया। और अचानक से मैं उतर के दिखाया कि देख सकते गाइस कितना सा जगह, और कैसे तो भगवान के दया से गाड़ी बंद हो चुका था गाइस। अगर गाड़ी अगर ऑन रहता तो पक्का ढल जाता नीचे और बहुत प्रॉब्लम हो जाता। निकलता तो नहीं, इतना तो मेरे पता था, बिना कुछ बुलाए गाड़ी को मतलब टोचन करके निकालने के अलावा कोई और उपाय था नहीं। तो अभी मस्त गाइस चलते हैं, ये वाला डिवाइडर क्रॉस देख सकते हैं, रोड इधर बंद और मेरे को अभी डिवाइडर पे चढ़ा के क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी पहले देखते हैं गाइस चढ़ता कैसे, डिवाइडर पे चढ़ेगा कैसे, और मेरे को लग रहा कि नीचे फिर ना सट जाए उस दिन की तरह। अभी देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं गाइज अभी अपने बिल्लू रानी को 4x4 बना दिया हूँ गाइज, मैं डिवाइडर चढ़ा के फाइनली मैं निकाल रहा हूँ और चलूंगा अभी घर के साइड, और इसको भी छोड़ूंगा घर क्योंकि इसका मूड हो चुका ऑफ। तो अब क्या ही बोलो, कार तो इसको दे रहा हूँ चलाने के लिए बट नहीं चलाइए, बोल रही है। तो करते हैं गाइज ब्लॉग को यहीं पिन, ब्लॉग अगर चला हुआ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आपके चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से भारी।